सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम बस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, अभी हम आई हैं, जैसे आपने पुराना व्लॉग देखा होगा, हम पहुंच गए थे अपना बद्रीनाथ और हमने होटल वोटल सब बुक कर लिया था। एंड हाँ, अब हम जा रहे हैं, मतलब कि हाँ, मतलब जैसे हम कल दर्शन करेंगे, अभी तो करेंगे नहीं क्योंकि मंदिर ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। एंड अभी बज रहे हैं 9 रात के, एंड यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये कुछ यहाँ का मौसम है। दर्शन हम सुबह करेंगे, वही 2-3 बजे, रात को कह लो सुबह कह लो कुछ भी। फिर अभी तो हम वहीं बस ये सिस्टम चेक करने जा रहे हैं कि टोकन वोकन का क्या है वहाँ, मतलब सुबह जाएंगे तो आसानी से और आसान रह जाएगा ना हमारे लिए। तो फिर वही एंड भाई देखो यार, यहाँ का रोड कितना अजीब है यार। तो चलो फिर मैं आपको वहीं मिलता हूँ, आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या होता है। तो भाइयों, अभी पहुँच गए यार हम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। देखो वो मेरे सामने जो लाइटनिंग दिख रही होगी ना, कोई कलर वाली, यही है बद्रीनाथ मंदिर। और आपको पास जाके मैं दिखाता हूँ, ये मतलब पूरी मार्केट लगी पड़ी है मेरे पीछे, पूरी मार्केट है। एंडेरा मंदिर, ठंड है बहुत, भीड़ देख रहे हो तुम, खुद ही देख लो। वो है मंदिर। तो चलो अब आपको पास जाके दर्शन करवाते हैं। वो देख लो मंदिर, मेरा मंदिर। आइयो, अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में। ये देख लो भाई, बद्रीनाथ की लाइन की हाल। बगल में कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी बह रही है, जो कि तुमने दिख नहीं रही क्योंकि अभी अंधेरा बहुत हो रहा है। रात के बज रहे हैं 9 एंड अभी बहुत लंबी लाइन है। हम मतलब काफ़ी देर से चल चल के आ रहे हैं और अभी और चलना है, मतलब 2 किलोमीटर और है अप्रॉक्स। तो बाकी यहाँ मैं आपको आगे आगे चल चल के दिखाते रहूँगा। बाकी बगल में ये अलकनंदा मंदिर की मैंने फोटो खींच ली, वो आपको ब्लॉग में आ जाएगी। बाकी हाँ, लाइन बहुत लंबी है यार, और आगे देखो पूरी बहुत लंबी लाइन है। हम मतलब काफ़ी देर से खड़े हैं, टाइम हो गया हमें। बाकी बगल में देखो आप, ये अलकनंदा नदी बह रही है, अब तो दिख गई होगी लाइट की वजह से, पूरी आगे जाके है। एंड फिर आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है, बाकी लाइन बहुत लंबी है। तो आइयो, अभी हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर धाम, वो ठीक हमारे सामने है देखो। एंड यहाँ की भीड़ चेक करो यार तुम। तो गाइस, अभी भाई हम आ चुके हैं बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस। एंड ये देखो, ये एग्जिट है, ये पूरा अभी मॉल है। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:36। वापस कहाँ गए? एंड प्रसाद प्रसाद लेके अब आप नीचे जाएंगे डिनर करने। आप फिर आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू। तो भाइयों, अभी हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर, दर्शन करके देखो आप फ्रंट गेट देखो, ये बद्रीनाथ मंदिर का फ्रंट गेट है। हाँ, इसमें भीड़ लग रही, सब फोटो ले रहे हैं पीछे, पूरा भीड़ बहुत है, ठंडी बहुत है, लाइन भी बहुत लंबी थी। बाकी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैंने मतलब मना कर दिया। बाकी आपके लिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, बने रहिए। यहाँ पे अभी हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर। एंड देखो, हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जिस अलकनंदा नदी के ऊपर वाला। देखो आप, पूरी नदी बह रही है अलकनंदा। एंड वो रहा हमारा हवन या जो भी है मंदिर, वहाँ से आ रहे अभी हम। एंड अब हम जा रहे हैं डिनर करने क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 एंड काफ़ी लेट हो गया। फिर कल हम उठ के फिर से एक्सप्लोर करेंगे ये जगह, मतलब जैसे मारगाँव यहाँ का जो लोकल है वो सब एक्सप्लोर करके उसका भी व्लॉग मिल जाएगा सब कुछ। तो चलो अब चलते हैं डिनर करने। तो भाई फिलहाल हम पहुँच गए हैं यार डिनर करने।
ये मेन्यू कार्ड है। मैंने एक तो मंगाई चीज़ पनीर और विद बटर नान एंड इस तरीके से कुछ होटल है रेस्टोरेंट। ये चढ़ते ही है एंड ये प्रसाद है जय श्री बद्रीनाथ जी, ये प्रसाद है एंड बाकी हाँ देखो एंड यार बहुत ही बार बार से बोल बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर आप आओगे सर्दी के कपड़े जरूर लेके आना, गला भी बैठ रहा है, जुकाम भी हो रहा था, बिल्कुल खराब हो रही है, हेडेक भी हो रहा है, बट हाँ एंड मतलब बिल्कुल पैक होके आना। मुझे देखो भाई 3-4 लेयर्स पहन रखी है, प्लस एक तो ये बहुत गर्म कैप है, ऊपर से ये वाली कैप बहुत गर्म है, फिर वही फुल स्लीव्स पे नीचे जॉगर्स में आ जाना है, चढ़ाई करते वक्त जीन्स इतना सपोर्ट नहीं देती, काफ़ी हाँ अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। अब जाएंगे परसों जाएंगे तुंगना एंड कल हम नहीं जैसे होता है ना बॉडी को रेस्ट ही होता है चढ़ाई के लिए, तो परसों तुंगना की चढ़ाई हुई तो कल रेस्ट करेंगे आराम से अपना। वही जो होता है ना ये माड़गांव एक्सप्रेस जो भी है इसे हम करेंगे एक्सप्लोर करेंगे, इसका भी ब्लॉग अगर आप देखना है ना। चलो फिर होटल में जाके मिलते हैं।